बच्चे हम जा रहे थे कि एक तो आप इनसे एड्रेस करें फिर उसके बाद दरअसल हमारे यहाँ एक रिवाज साथियों ने रखा हुआ है पहले से कि ईद के अगले दिन बच्चों के साथ बैठ के मुंह मीठा करते हैं। तो इस बार वॉलेंटियरली मलिक साहब ने मिठाई उठाई लाई थी कि हम सुबह मार्निंग असेंबली में बच्चों के साथ वो करेंगे। जब पता चला आप आ रहे हैं फिर हमने उसको थोड़ी देर के लिए रोक रखा कि आप आ जाएं तो आप फिर मुबारक से ईद की खुशी एक दूसरे के साथ बांटेंगे। फिर उसके बाद आप इस वक्त आप हमारे बड़े की हैसियत से हैं, फिर उसके बाद अफसर की हैसियत से आप हमें चेक करें, बच्चों को चेक करें, लेकिन पहले ईद हमारे साथ। इससे बच्चे आप सब एक मरतबा फिर तालियां बजाकर रिस्पेक्ट कर बच्चों आप बहुत छोटे हैं अभी उम्र में, माशाल्लाह सियाने तो हैं उसमें कोई शक नहीं। बच्चे जब मैं पढ़ता था या आपके जो बाकी यहाँ मोहतरम साथी हैं, हमें पढ़ाने के लिए टीचर भी कश्मीर से आते थे। मैंने 1990 में 12वीं में था, हमारे फिजिक्स के लेक्चरर जो थे वो श्रीनगर से थे, गुलाम मोहम्मद साहब। हमारे मैथ्स के लेक्चरर श्रीनगर से थे, हमारे इंग्लिश के दोनों लेक्चरर्स जम्मू से थे। मतलब एक वजह ये थी कि हमारे पास टीचर और लेक्चरर तक अपने नहीं होते थे, हम तालीम में इतना पसमानदा थे। ये वो दौर था जब ये नस्ल पढ़ रही थी, और आज हमारे पास अल्लाह का ये कर्म है कि खाली इस रसगुल्ले की मिठास नहीं समझना है बल्कि ये मोहब्बत की मिठास है, बड़े फन की मिठास है, और इसको अपनी जिंदगी में इख्तियार करना है। और हम शुक्रगुजार हैं सी ओ सर के वो आज आप बच्चों के साथ स्टाफ की ईद की खुशियों में जो हमारे कल्चरल विंग के तहत हम हर बार करते हैं, हर त्यौहार पे करते हैं, बैसाखी हमने मिलाई, आज ईद थी तो ईद पे भी हम इकट्ठे हुए थे ताकि जो हमारी मुश्तरक रिवायतें सेकुलर रिवायतें हमारे मुल्क की उनको हम जिंदा पाइंदा रखें। सी ओ सर ने अपनी मसरूफियत के बावजूद यहाँ तशरीफ़ लाना गवारा किया, हम इनके शुक्रगुजार हैं। मैं सी ओ सर मुअज्ज़ज़ और मुकर्रम हैं, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। हालांकि सुबह ये तय पा गया था बच्चों, जब हमने आपको बता दिया था तकरीबन 9:45 बजे के आज डी सी साहब खराब मौसम की वजह से नहीं आएंगे, लेकिन सी ओ सर से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इतना नज़दीक आया हूँ कि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि यहाँ के इलाके के टीचर्स से भी मिल जाऊँ, उनके कामकाज के तरीके को देखूँ, उनकी मुश्किलात सुनूँ, उनको दूर करूँ, और ख़ास तौर से बच्चों से मिलके उनसे बात करूँ। तो मैं सर को एक बार फिर खुश आमदेद कहते हुए ये चाहूँगा कि सर आप ये चूँकि हमारी बड़ी दो क्लासें हैं, मैं अक्सर इनके साथ सख्ती भी करता हूँ, बच्चे हैं हमारे ये, तो जिस तरह बच्चे प्यार के मुस्तहिक हैं वो भी इनके साथ हम करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा सख्ती भी हम करते हैं सिर्फ मकें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर ये बच्चे भी आ रहे हैं और इनमें भी कुछ समझ है, बच्चों ने लाइब्रेरी जाना भी शुरू किया है, तो अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि हमें पता है कि बल्कि अल्लाह ताला को यकीनन हमने जवाब देना है, और ये जो रिस्क है जहाँ से कमा के हम अपने बच्चों के लिए ले जा रहे हैं, अगर रिस्क हलाल नहीं किया, और हमने देखा है उन लोगों को भी कि जिन्होंने अपने बच्चों तक रिस्क हलाल नहीं पहुँचाया तो अल्लाह ने उनके साथ दुनिया में ही क्या मामला किया। तो मैं अक्सर सर इन बच्चों को डांटता भी हूँ, प्यार से भी कहता हूँ, समझाता भी हूँ कि माँ बाप की मेहनत पे गौर करें, जिस मुशक्कत के बावजूद आपको पढ़ा रहे हैं, अपना मुस्तकबिल तभी आपका महफूज रहेगा। सी ओ सर ने दो बात बहुत सारी बातें कीमती कहीं, दो बातें बच्चे अगर आपने उनमें ध्यान दिया हो, एक सर ने ये कहा कि वक्त ज़ाया मत होने देना, और मिनटों की बात भी नहीं करना बल्कि और नीचे आ जाना, सेकेंडों को भी ज़ाया नहीं होने देना। सर ने दूसरी बात अपने बचपन की कही कि बचपन में मैं किन लोगों के साथ रहना पसंद करता था, तो सी ओ सर ने क्या कहा आप लोगों से कि मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं उन लोगों के साथ रहूं जो क्या हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो नेक हैं, जो शरारत नहीं करते, जिनकी संजीदगी है। यही बात मैं आप बच्चों से भी कहा करता हूं कि आप वो साथी सिलेक्ट करें बच्चा जिस अब कि मुझे तो नाम भी जाते हैं एक ही करने की तौर पर बदल और जी बकार लेक्चर मास्टर्स और दोस्तान मिलत मेरी बच्चियाँ फूल नमा बच्ची आसमान मैं
असल में आज यहाँ जो आया हूँ एक कैजुअल ही आया था, हमारा प्रोग्राम और था। फिर जब वो प्रोग्राम आ रहा था तो मैंने प्रसाद दिया ना मैं उनके पास। आज भी मेरी आदत है जब बच्चे स्कूल से जाते, कोई बच्चा जाता हो, मैं अपनी गाड़ी को रोक लेता हूँ, बच्ची को बुलाता हूँ अपने पास, बेटा क्या सब्जेक्ट है तेरा, उर्दू जानते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, अगर इंटरेक्शन करूँगा क्लास में दूंगा। मैं जहाँ जाता हूँ बच्चों की क्लास लेता हूँ, हालांकि मेरे पास इतना टाइम सीईओ के पास नहीं होता है कि वो जाए बच्चों की क्लास ले या चेक करे। सीईओ अंदर से दफ्तर को छोड़ ही नहीं सकता, डीसी आपस में मीटिंगें होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है